शासकीय धार पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धार में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 4 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम काफ़ी वर्षों से संचालित किया जा रहा है। हर विद्यार्थी का यह सपना होता है कि वह आगे अपने करियर में कोई अच्छा जॉब प्राप्त करे। कोर्स को करने के बाद कैंडिडेट को इंडस्ट्रियल कंट्रोल और ऑटोमेशन सिस्टम की जानकारी अच्छे तरीके से आ जाती है। रोबोट सिस्टम, डिजिटल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट से संबंधित ट्रेनिंग भी छात्रों को दी जाती है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए आप कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होकर इस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ कहाँ होता है? तो केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट्स में, ऑयल गैस पेट्रोलियम प्लांट्स में, माइनिंग में, मेटल प्रोसेसिंग यूनिट्स में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स के या PLCs के डिज़ाइन और मेंटेनेंस में, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के सर्किट डिज़ाइन में, मोटर ड्राइव्स में, बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट्स में स्टडी किए जाते हैं। तो स्पेशली डिज़ाइन जो कोर्सेज है वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 जो है वो इस कोर्स की बेसिकली डिज़ाइन एक्सपर्टीज कोर्सेज हैं। इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिज़ाइन एंड टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट असेंबली, डिजिटल सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इन सब के बारे में भी आप पढ़ते हैं बहुत सारे। एक माइनर ट्रेनिंग होती है 6 सेमेस्टर में और एक मेजर ट्रेनिंग होती है 8 सेमेस्टर में। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर करता क्या है? तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो होता है वो इलेक्ट्रिशियन बन सकता है, टेक्नीशियन बन सकता है, एलिवेटर मैकेनिक बन सकता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली इक्विपमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो है डिज़ाइन और टेस्टिंग इंजीनियर की, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर की, ट्रबल शूटिंग इंजीनियर की, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन की, इलेक्ट्रीशियन की, इंस्ट्रूमेंट रिपेयरर की और टीचिंग जॉब जो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं।